हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ मकर संक्रांति मनाने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूएई में और स्पेशली आबू धाबी में मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है। डेफिनेटली आई मीन आबू धाबी में गुजराती कम्युनिटी का एक ग्रुप है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, और एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क था ये यास आइलैंड में, जहाँ पे सबको पहुँचना था। टाइमिंग दो सुबह जल्दी थी, 9:30 बजे का था, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच का भी प्रोग्राम था, बट हम लेट गए, हम 12:30 बजे गए। बट काफ़ी अच्छी जगह थी, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल पार्क के अंदर, और आप देख सकते हो कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पे, सब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इस पार्क में उन्होंने खाने पीने से लेके गाने बजाने तक का भी इंतजाम किया था, बड़ा ही मस्त माहौल था। जैसा कि आप देख सकते हो, लोग लाइन पे खड़े थे, एक लाइन लगी है जिसमें कि आपको गोला बोलते हैं, गोला या चुस्की मिल रही थी। कूपन सिस्टम था, दो आई मीन आपको 8 दिरहम का कूपन लेना था एक चुस्की के लिए। अलग अलग ऑप्शंस थे, अलग अलग फ्लेवर थे, हमने भी चुस्की और या फिर अब गोला लिया, और काला खट्टा था, ऑरेंज था, मैंगो था, मिक्स था, हमने अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए, और काफ़ी अच्छा माहौल था, मतलब मज़ा आ रहा था। पतंगें उड़ रही थी, लोग पतंग उड़ा रहे थे, जिसको पतंग उड़ानी थी। मुझे इतनी रुचि नहीं है पतंग उड़ाने में, तो मैं बट इंजॉय कर रहा था, थोड़ा दीर्घ के साथ मस्ती कर रहा था, क्योंकि पार्क बहुत अच्छा था, धूप अच्छी निकली हुई थी, गर्मी नहीं हो रही थी, इसलिए इस वजह से बहुत ही अच्छा माहौल था। बस दोस्तों, आज का ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।